नमस्कार, आज हम आपको एक निफ्टी 50 स्ट्रेटजी बताएंगे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यूज़ होती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसमें कि अगर कोई अमाउंट ज़्यादा लगाता है तो अच्छा इनकम कमा सकता है, और अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो अच्छा इनकम आएगा। और इसमें 10 में से कोई 7 बार, कोई 8 बार, कहते हैं कि 8 बार मतलब ये स्ट्रेटजी काम करती है। 1-2 बार तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी, सब स्ट्रेटजी जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है तो वो अच्छी होती है। अब इसमें हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना होता है। ये इस यहाँ से आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये पेंसिल है। यहाँ से जाके यहाँ पे आपको ये वाला है आइकन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। इसकी सेटिंग समझ लो कैसे करनी है। यहाँ पर जैसे गए, ये मैंने रिट्रेसमेंट पर गया, इस पर सेटिंग लगाया, एडिट सेटिंग। यहाँ पर मेरे को जो लेवल लेने हैं वो ध्यान रखना है, 0 वाला लेना है, 22%, 44, 77, 100 और 122। कैसे वर्क करता है देखो, यहाँ पे मैंने जैसे इसको लगाया 0 से लेके नीचे, यहाँ मान लो ऊपर से आ रहा है तो नीचे यहाँ से लगा के और यहाँ तक 100 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारा सबसे पहले देखो, हमारा फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, इस पॉइंट से 44 वाले से हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 22 वाला, 22% हमारा स्टॉप लॉस होगा अपवर्ड मूवमेंट का। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 77% होगा, यहाँ पे 77% पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 100% वाले पे होगा। और अगर अगर अच्छा ही मूवमेंट चल रहा है तो हम थर्ड टारगेट भी सोच सकते हैं, 122%। ये जैसे पहले तो निफ्टी गिर रही थी, अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ 70 से 80% होना चाहिए। जो दोनों का डिफरेंस है वो देख लेना कि 70 से 80% है या नहीं है। अगर है तो ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। अब यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 22% रिट्रेसमेंट हो चुकी है, यहाँ पे 44% जब रिट्रेसमेंट हो जाएगी तो हम अपनी एंट्री ले लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये हो जाएगा। अब जिसने यहाँ पे कल एंट्री ली होगी, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट लिया होगा उसने। यहाँ पे लगा लो हमारा 19,397 के आसपास एंट्री करी होगी, और अगर पहला टारगेट बुक किया होगा 425 से, दूसरा टारगेट बुक किया होगा लगभग 440 के आसपास, और उससे अगला टारगेट है, लास्ट टारगेट है 475 के आसपास। अगर हम इसको आज वाले में देखें कि आज कैसे वर्क किया है, तो अब उसको मैं उठा के, जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ, इसी इसको ले गया मैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी देखो रिट्रेसमेंट हो रही है। इसमें तो हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिले हैं। इसमें हम उल्टा लगाएंगे, 0 हम ऊपर रखेंगे, 22 इसके बाद 22 रखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे हो रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि कितना मूवमेंट हो चुका है उसमें। यहाँ से देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एंट्री कहाँ लेंगे जब वो 44% रिट्रेसमेंट हो चुका होगा। पहले चेक करना है कि यहाँ से 75 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स वो अपवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, और एक ही डायरेक्शन में होनी, ये नहीं कि यहाँ से इधर नीचे आ गया 50% फिर ऊपर जा रहा है, तब नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, फर्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे एंट्री हो गई, फर्स्ट टारगेट हो गया ये, सेकंड टारगेट हो गया ये, और थर्ड टारगेट हम यहाँ तक ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैंडल है वो कंटिन्यूसली जा रही है, और यहाँ पर हम अपना, अगर इसके नीचे जा रही है, यहाँ तक आ गया है, तो हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख सकते हैं, उसके बाद ही देखो कितना अच्छा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे एंट्री पॉइंट, ये एंट्री हो गई जहाँ पे हमने एंट्री ले ली, और ये हो गया हमारा टारगेट वन, ठीक है, ये टारगेट टू। ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में भी लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी में कम से कम 150 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।